अस्सलाम वालेकुम, असमा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आपको पालक के पकोड़े बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने पालक के पत्ते काट लिए हैं, छोटे साइज़ की मैंने पालक ली है, इसके मैंने पत्ते लिए हैं सिर्फ। और ये पत्ते मैंने धो के, ये देखें पत्ते हैं खाली, और इसके ऊपर से डंडियाँ उतार दी हुई हैं, खाली पत्ते हैं ये। ये पत्ते धो के मैंने इसमें प्लेट में रख लिए हुए। और एक कप मैंने बेसन लिया है, हाफ टी स्पून बड़ा मिर्च है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पीसी हुई है, हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, बेकिंग सोडा जो है दो चुटकियाँ लिए मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब मसाले हम बेसन में शामिल करेंगे, दड़ा मिर्च, बेकिंग सोडा, नमक, हल्दी। अब हम पानी लेके, इस ज़रूरत पानी लेके इसको हम मिक्स कर लेंगे, ना ज़्यादा ये पतला हो ना ज़्यादा ये गाढ़ा हो, ऐसा हो कि हमारे जो पालक के पत्ते हैं इसके ऊपर बेसन लग जाए। बिस्मिल्लाह। ये पालक के जो पत्तों के पकौड़े होते हैं बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी होते हैं। ये देखिए हमारा ये बेसन हो गया है, ये बेसन हमारा भी थोड़ा सा ठीक है, हम इसको थोड़ा सा पतला करेंगे और बिस्मिल्लाह। ये देखिए बस अब हमें इतना ही रखना है, ये देखिए इस तरह रखना है। अब हम लेके चलते हैं इसको एक कढ़ाई में, ऑयल डालते हैं और इसको तलते हैं। कढ़ाई में हमने ऑयल लिया है, ये हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें इस तरह करके हम हाथ की मदद के साथ अच्छे तरीके से बेसन पे लगाएंगे और इसको हम सारे इसी तरह आराम से हमने पत्ता पकड़ना है और बेसन लगा के कढ़ाई में डालना है। ये देखिए हमारे कितने अच्छे बनाए, तो हम ये दूसरा साइड कर देंगे। ये देखिए हमारे ये किस तरह फूल रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी ये बनेंगे। ये देखें ये क्रिस्पी हो गए हैं और ब्राउन भी हो गए हैं, हम मैं इसको उतारने निकालने लगी हूँ। देखें इस तरह ही मैं सारे ये और डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह। देखो पकड़ना है और बेसन लगाना है और डाल देना है। इस तरह ही सारे हमने, ज़्यादा मोटा बेसन लगाएंगे तो अच्छे नहीं बनेंगे। बेसन बिल्कुल पतला पतला, जिस तरह मैंने बेसन बनाया है उसी तरह ही आपने लगाना है। हो रहे अब हम इसको भी प्लेट में निकालेंगे। हमारे पालक वाले पकौड़े तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामुअलैकुम।